अरे तो हाँ जी, श्रीमद्भागवतम के 31वें स्कंद की 13वीं अध्याय का श्लोक संख्या 36 को पढ़ रहे और वो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सब जो महान ऋषि, महान भक्त, भगवान की इस सुंदर अवतार श्री बारहवीं का वर्णन स्तुति कर रहे हैं, उनके हर एक शरीर के अंग की स्तुति कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बाराहवी जो है, ये जो यज्ञ और वेद के प्रतीक है, और वेदों में यज्ञों का अनुष्ठान बताया गया है, और इस प्रकार से जो महान ऋषि, भगवान के महान भक्त जो है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान ही है। जिसका वर्णन जो है शास्त्रों में भी किया गया है कि भगवान ही सब कुछ है। तो जब भगवान के का अवतार होता है तो सब कुछ उसमें सम्मिलित है। भगवद गीता के 4वें अध्याय में वर्णन किया गया कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है और कुछ। 4वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 में इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवी ब्रह्मार्पणो ब्रह्मभूतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अगर किसी के पास भगवत गीता है तो यहाँ पे सब कुछ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवी ब्रह्माग्नो ब्रह्म जो है आत्मा, और जो कुछ भी है वो उनको ही यहाँ पे बताया। कौन पढ़ेगा? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मानो ब्रह्मणम तम। माता जी कुछ यस, चलाई दी। 24 उदरंगा कैंडी। हरे कृष्णा माता जी, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवद्धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। तो ये सब जो है थैंक यू। सब कुछ भगवान के साथ समझ, सब कुछ भगवान, इसीलिए यहाँ पे डिटेल में। और कौन समझ सकता है? यहाँ पे बताया गया कौन समझ सकता है? जो पूर्णतया से भगवत भक्ति में, या जिनको इस ज्ञान है भगवान के इस सुंदर रूप को, जैसे कि हम देखेंगे, अगर हम भगवान का रूप देखेंगे, सुपर रूप, तो उसमें और क्या देखेंगे? जो भी बाहरी है वही देखेंगे, लेकिन जो उच्च
जो जिनका दृष्टि आध्यात्मिक है, जैसे कि यहाँ पे भगवद गीता में जो पूर्णतया भक्ति कृष्ण भावनामृत में लीन है, तो वे सब देख सकते हैं। और इस समय हम देखते हैं कि जनलोक तपलोक के जो सभी ऋषि और महान भक्त है, वे भगवान के स्वरूप को पहचान सकते, क्योंकि पूर्णतया जो है भक्ति में लीन है। भक्ति को भगवान को जानते, भगवान की दिव्य रूप को वे पहचान, तो उनके द्वारा अब यहाँ पे वे भगवान के अनेक अंगों का वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार से अनेक अनेक अंग जो है भगवान के वे यज्ञ के पात्र है, उनके जीव भी एक पात्र जिसको श्राद्ध कहते हैं, उनकी नथुन या ना यज्ञ के अन्य पात्र है शुवा। आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र है पीड़ा। इस प्रकार से यहाँ पे वे जो है भगवान, सब कुछ भगवान के उदर ही। और आपके कानों के छिद्र में यज्ञ का अन्य पात्र चम्मच। आपके मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्रशित्र है और गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम है सोम पात्र है। और आप जो भी चबाते हैं वह अग्निपुत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ का जो विधि है वेदों में वर्ण, और भगवान यहाँ पे ये वेद उनका क्रिया होता, ये जो वराह रूप है भगवान का सुपर अवतार क्रिया, किस प्रकार से अनेक अनेक वेदों वेद और उनके अनुष्ठान। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वेद वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार के लोग हैं जिसको वेदवादी, उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ किया जाए, क्या करना है, यज्ञ किया जाए। और वो कैसे करते हैं, वे थोड़ी सी आग जलाकर उनमें मनमाने ढंग से होम करते। ये आज कल ही चल रहा है कि यज्ञ, सबको यज्ञ, अरे हमने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ करने के लिए बहुत सारे विधि विधान। उसके उसको अगर ठीक से नहीं किया गया तो उसका फल, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि यज्ञ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम जो है यज्ञ करें, खास करके गृहस्थ जो है जीवन में यज्ञ करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये यज्ञ क्या है, क्यों करना चाहिए,
ये जानना मुझे। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं, हम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, अग्नि को जलाते हैं और अनेक अनेक चीजें करते हैं, उससे जो है बहुत सारे जो है दोष हुए। तो इस दोषों के कारण हम जो है ऋण है, हमारे ऋण है, बहुत सारे ऋण है, पितृ ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण। तो इस प्रकार से जो है अतिथि ऋण, जन लोगों का ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं। इस ऋणों को से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि हम यज्ञ करें। तो ये वेदवादी जो है, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वेदवादी है कि बोल कहते हैं कि यज्ञ ही है, तो ये ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वेदों में बताया गया। अभी यहाँ पे पूर्ण जो यज्ञ के पात्र का वर्णन किया जा रहा है, तो वेदवादी क्या है, वे जो है वेदों के जो जो लिखा हुए चीजों को स्वीकार करते हैं, वे जो जो उन शब्द को स्वीकार करते हैं, लेकिन वेदों के पीछे उद्देश्य को नहीं, उनका उद्देश्य क्या है उसको नहीं। और उद्देश्य भगवान वेदेश सर्वम अहमेव। तो वेदवादी क्या करते, भगवान एक ही उनका कहना कि यज्ञ ही सब कुछ है, और यज्ञ ही सब कुछ, यज्ञ ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। और आज के युग में भी ये करते हैं, और वे जो है अपने मनमानी रूप से करते हैं। अगर वे ठीक से नहीं किया जाए तो उसका फल नहीं मिलेगा, खास करके कलयुग। जो भी सामग्री है, बहुत सारे चीजें हैं, पहले तो यज्ञ के हवन कुंड को तैयार करना, उसका विधि है कि कितने कितना बड़ा होना चाहिए, जितना श्लोक बोले जा रहे उतने श्लोकों के अनुसार यज्ञ कुंड बनाया जाए। उसके बाद में जो है सामग्री, शुद्ध ब्राह्मण, आज तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सामग्री है घी कहाँ है, इसके लिए पहले ब्राह्मणों को गो दान किया जाता है, ताकि वो जो है वो गोदान से वे जो है दूध से जो है घी बनाकर वो घी को यज्ञ में इस्तेमाल कर सके। पर आज तो है, और सब जो है ब्राह्मण को भी बुलाएंगे तो कम से कम में जो हो जाएगा तो करके दो, नहीं तो दूसरा ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण भी बोलेगा इतना लूंगा तो ये तो है ही, ऐसा नहीं होना। दक्षिणा जरूर है, दक्षिणा कर्तव्य है हर गृहस्थ को दक्षिणा देने के लिए, लेकिन ये नहीं कि हम इतना लेंगे तो होगा। आज भागवत कथा में भी ऐसा, इतना लेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं, तो इससे लाभ है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अपना कर्तव्य नहीं पता है, कि उनको जो है जब कोई यज्ञ होता है, जब कोई साधु महात्मा वैष्णव घर में आता है, तो उनको जरूरी है कि उनको जो है दक्षिणा दे, चाहे कितने यथाशक्ति यथा, लेकिन ये कर्तव्य है। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसके लिए अभी जो है उनको भी कहना पड़ता है कि अभी इतना होगा, ये कर्तव्य है। उससे जो है जो भी ऋण है वो सब ऋषि ऋण, सब ऋणों से हम। तो ये वेदवादी जो है वेदों में जान विश्वास है, वेदों को मानते हैं, लेकिन उनके पीछे उद्देश्य क्या है, हम भगवान को प्रसन्न करना। जब तक ये नहीं होगा और भगवान को नहीं स्वीकार, वासुदेव परावेदा बताया गया है पहले ही स्कंद में,
जिसमें बताया गया है वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकह वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिय वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति ही। तो ये उद्देश्य नहीं जानते हैं लेकिन अपनी मनमानी से ये सिर्फ एक प्रकार का प्रदर्शन ही है। प्रामाणिक शास्त्र में ज्ञान का परम उद्देश्य है परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ही। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है पर वे जो है भगवान को। तो ये वेदवादी और हुआ है प्रभुपाद जी इसीलिए ये घटना बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि एक प्रकार के दल है, उन्होंने एक दल भी बना दिया और उस समय भी था ऐसा कुछ बहुत साल पहले ये दल था जो मूर्ति सेवा भगवान की अच्छे विग्रह सेवा नहीं करने की जरूरत है, यज्ञ 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 करो बस यज्ञ ही सब कुछ है। उन्होंने दल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उनमें मनमाना ढंग से कुछ होम करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये यज्ञ भगवान के रूप को। अब यहाँ पे भगवान का रूप का वर्णन किया जा रहा है, उनके हर एक अंग के का वर्णन किया जा रहा है और वो है ये मूर्तिमान रूप है भगवान, यज्ञ है, यज्ञेश्वर है भगवान और वे उनको नहीं मानते और यज्ञ कर रहे क्योंकि कलयुग में लोगों को ध्यान नहीं है। तो उनका बहुत तर्क वितर्क करते थे तो ये डल बना। किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषय विधि विधानों का कड़ाई से पालन, कड़ाई से, ऐसे नहीं कि सस्ता बनाकर सस्ता करो, शॉर्टकट नहीं है, इसको ठीक से किया जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अनेक अनेक अंग क्या है और किस प्रकार से, जब तक इस कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता यज्ञ के फल प्राप्ति नहीं हो सकते। तो इट हैज टू बी डन प्रॉपरली, ठीक तरह से कर, अगर यज्ञ भी करना है तो ठीक तरह से करना है, नहीं तो ठीक से नहीं करेंगे, अगर कोई भी एक टूटी हो गई, कोई भी मिस्टेक हो गया तो फिर वो जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि यज्ञ ऐसे नहीं है कि कभी चाहे कभी समय किसी भी टाइम पे करो, लेकिन उसके लिए जो समय ठीक होना चाहिए, सब सामग्री ठीक होनी चाहिए, सब जो जो ब्राह्मण है वो ठीक से जो है वो सब श्लोकों का उच्चारण ठीक से कर रहे होंगे, जो छंद है वो छंद ठीक से उच्चारण कर रहा है, ये सब बहुत जरूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कुछ जो लोग बेमूर्ति नहीं, और ये वेदवादी और सनातनी और वेदवादी के बीच में बहुत हमेशा ये झगड़ा क्योंकि उनका कहना वो कोट करेंगे इस श्लोक में, ये श्लोक है वेद में, ये बताया गया वेद का ये, और फिर वो जो है कहते हैं कि जरूरत नहीं है भगवान के अर्च विग्रह की पूजा जरूर। तो इस प्रकार से तो उनका जो लॉबी था, उनका जो ये दल बहुत स्ट्रांग था उस समय, इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि ये उनका दल जो है बहुत स्ट्रांग था, जो यज्ञ 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 मूर्ति
मूर्ति को नहीं, मूर्ति नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, भगवान की इच्छा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस प्रकार से तो बहुत उनका लॉबी था। तो एक बार उनका बहुत बड़ा ये भी डिबेट हो रहा था बड़ा पंडाल में, ये सब जो है वेदवादी और सनातनी, जो सनातन धर्म को मानने वाले, तो बहुत ये चल रहा था। पर ये वो उद्देश्य को नहीं समझ, वेद वेद वेद, लेकिन उद्देश्य क्या है जो भगवान स्वयं बता। क्या जरूरत है मंदिर, क्या जरूरत है मंदिर? और अपने हमारे लोग जो है हमारे देश में भी ऐसे का विचार भी ऐसा हो गया कि क्या जरूरत है मंदिर में जाने का, क्या जरूरत है भगवान की अच्छे विग्रह की पूजा करने का, क्या जरूरत है दर्शन का, घर में बैठ के भजन करो होता है, बैठो घर में बैठ भजन, यहाँ पे स्वयं मानुष स्वयं घर को त्याग के गए क्योंकि वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो छोड़ के गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है, तो फिर ऐसा ऐसा तर्क एक सम्मेलन ऐसा था, तो इसे सुना है कि फिर वो बाद में उन्होंने जो सनातनी थे उन्होंने एक क्या किया वहां पे, एक बार उनका जो मेन गुरु है जो ये इसको प्रचार कर रहा है वेदवादियों का बड़ा फोटो था, तो वहां पे फोटो रखा था और भी बात कर रहे और कह रहे कि मूर्ति नहीं, मूर्तिमान रूप नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वो कह रहे थे। तो एक चैन जो सनातनी था उसने एक चप्पल का हार बना दिया, चप्पल का हार बना दिया और चप्पल के हार को जाके वो फोटो को चढ़ा दिया। इतना युद्ध हो गया, अरे ये क्या कर रहे, अरे पर तुम लोग तो मानते नहीं है मूर्तिमान रूप को, तो फिर तुमको क्या फर्क पड़ता है कि चप्पल चढ़ाए या फूल चढ़ाए। तो इस बात से वो हार। तो इस प्रकार से ये जो है ये सब ठीक से अपने ही मन से अपने ही यज्ञ से जो वो ही भाग, और ऐसा ही है हमारे देश में भी यही हो रहा है, जो हम वही भाग को लेंगे जो हमको सूट होता, बाकी के सब छोड़ दो। लेकिन वो जो है उसका एसेंस, उद्देश्य, पूरी चीजों का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, अंत उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न, भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे जब तक इस कठिन नियमों का पालन नहीं किया जा, यज्ञ के फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस यज्ञ में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा नहीं है। तो इस युग में नहीं है सुविधा। इस ढंग से जैसे बताया गया है शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है, जिस प्रकार से जिस ढंग से बताया गया है उसको इस युग में, तो इसीलिए ये यज्ञ करना बहुत कठिन है, पर यज्ञ करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ ही मनुष्य जीवन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और भगवान बताते हैं भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक, कोई खुलेगा? सो सह यज्ञ प्रजा शिष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं केशवा स्व इत कामकुड्डु। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन
द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंट फोर्थ जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स अलोंग विद द सैक्रिफाइसेस फॉर विष्णु. तो ये यज्ञ सह यज्ञ प्रजा शिष्टवा. तो पहले से ही जो है भगवान ने जो है यज्ञ करने के लिए ये जो है सृष्टि के प्रारंभ से 3.10 हिंदी रीड माता जी. ओके. हाँ, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी. राइट. तो पहले से ही भगवान ने जो है ये यज्ञ करना जरूरी किसके लिए, ताकि हम जो है सुख शांति और जो कुछ भी हमें जरूरत है इस यज्ञ से हम प्राप्त कर सकते हैं और हम शांति पूर्वक इस जो है इस धराधाम पर रह सकते हैं और इससे हम जो है मुक्त भी हो सकते हैं. तो बी हाउ हैप्पी विद दिस यज्ञ. तो ये यज्ञ करो, यज्ञ करना बहुत जरूरी है सृष्टि कब से, सृष्टि के प्रारंभ से यज्ञ करो. और इस यज्ञ करने से जो है आप जो है आपको जो कुछ भी चाहिए इसको करने से बाय द बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बिस्टो ऑन टू यू एवरीथिंग. तो और सुख एवरीथिंग डिजायरेबल काम और दुख तो जो कुछ भी इष्ट अस्तु इष्ट काम जो कुछ भी चाहिए आप तक कर सकते किससे, यज्ञ करने की. सो यज्ञ ही एक रास्ता. पर आज के इस युग में जो है यज्ञ करना कठिन है क्योंकि अगर ठीक से नहीं जो भी अभद्र है जो भी कष्ट है सब कुछ यज्ञ से जो है नष्ट. तो यहां पे प्रभुपाद जी आगे बताते दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना. तो भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सकता है. जब तक ये नहीं भगवान यज्ञेश्वर को प्रसन्न करते, भगवान यज्ञेश्वर है, भगवान यज्ञ है, भगवान यज्ञपति है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें समझे कि यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों करना चाहिए. जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे तब तक इस विश्व में शांति नहीं हो पाएगी क्योंकि ये विधि का विधान है. भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं ये यज्ञ करो और इस यज्ञ करने से आप जो है सुख शांति और आपकी जो कुछ भी इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाएगी और फिर आप इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे.
दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है, जिसकी यहाँ पर बताया गया है। यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान की अवतार के शरीर के विभिन्न भाग को बताने वाले हैं। तो भगवान की शरीर है, भगवान का रूप है, भगवान का मूर्तिमान रूप है, चाहे वो यज्ञ हो चाहे वे वेद हो, सब कुछ भगवान ब्रह्म अनुष्ठान ब्रह्म सब कुछ भगवद गीता में वेरी क्लियरली बताया। लेकिन ब्रह्मवादी कुछ चीजों को लेते हैं, दूसरे वेदेश सर्वं अहमेव वेद्यो, भगवान वेदों का अध्ययन या वेदों का पाठ किसके लिए है? मुझे जानने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा। तो इसीलिए तो ये समस्या है कि नहीं हम लोगों के लिए, तो जो बताया गया है और लोग जानते नहीं है और नहीं कर रहे, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए कष्ट है। क्योंकि यज्ञ के जो करना है वो नहीं करना, क्योंकि ये हमें प्रदान किया गया है भगवान। बी थाउ हैप्पी विद दिस यज्ञ, बी थाउ हैप्पी विद दिस सैक्रिफाइस। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इसका स्पष्ट निर्देश है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट, वी हैव कम टू द पॉइंट, क्या करना चाहिए, यज्ञ क्या है इस युग के लिए? संकीर्तन यज्ञ। और श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय 11वें स्कंद के 5वें अध्याय 32वें श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण संगो पंगास्त्र पार्षद यज्ञे संकीर्तना प्राय भेजंती ही सुमेधस। इस में वर्णन किया कि कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं जानते हैं कि इस कलयुग के लोगों के लिए ये यज्ञ वेदों का अध्ययन और सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, और दूसरा उससे भी ऊंचा दिया सिर्फ मुक्ति नहीं लेकिन सीधा भगवत धाम वापस जाने का ये यज्ञ है। वो यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। और वो मंत्र क्या है जो उच्चारण करने से जो है हम भगवत धाम वापस जा सकते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कुछ साधारण नहीं समझ, बहुत ही पावरफुल शक्तिमान नाम नामकारी बहुदा निज सर्व शक्ति। भगवान ने पूरी जो है अपनी शक्ति इस नामों में डाली है, लेकिन हमको दुर्दैव अनुराग, कोई अनुराग नहीं। और हम बड़े बड़े अनुष्ठान बने बड़े श्लोक, कौन श्लोक का उच्चारण ठीक से कर सकता है? अभी हम सुन रहे थे संस्कृत व्याकरण, जब तक 13 साल से नहीं सुन सकता है कोई, सीखता नहीं तब तक वो संस्कृत के शब्दों को ठीक से भी उच्चारण नहीं कर सकता। 13 years इंद्र ने 1000 साल तक बृहस्पति से व्याकरण सुनने को, ये यज्ञ में जब तक उच्चारण हम देखते किस प्रकार से
आगे भी जो है गलत उच्चारण से क्या हुआ था इंद्र के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वसुखी पितरा पिता नियमित स्मरणीन कल। कोई नियम नहीं है, भगवान ने इतना आसान किया कि चाहे कुछ भी किसी भी तरह से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस जाति पाति पशु पक्षी पेड़ पौधा कोई भी उसको अगर सुनेगा कि एक कीटाणु उसको सुनेगा उसका उदार हो। फिर चैतन्य महाप्रभु इसीलिए महावेदनी आया, अवतार है भगवान के अवतार, स्वयं भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण वर्णन कृष्ण यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, अभी ये बुद्धिमान कौन थे उस समय तपोलोक जनरल, वे पहचान सके कि नहीं कि वे बुद्धिमान है, वे भगवान के भक्त है, वे जानते हैं ये भगवान का रूप क्या है, इसलिए बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन, सामूहिक कीर्तन टुगेदर congregational chanting of the holy names of the Lord will give the benefits. वही यज्ञ है ये संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन करते हैं सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है श्री चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है, वे अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं और ये संकीर्तन यज्ञ इस युग के लिए क्या यज्ञ है, संकीर्तन जो यहाँ पे प्रॉपर जी कि बाकी के जो यज्ञ इस युग पे नहीं। इस यज्ञ संकीर्तन यज्ञ की अनेक अनेक जो विधियां है वो अलग युग में लागू है, पर इस युग में जैसे कि उदाहरण ये है कि हर एक युग के जैसे कि बारहा अपने युग में वे जो है उस युग के लिए जो जरूरी है, जैसे अभी हमारे पास 500 का नोट है लेकिन ये 500 का नोट वैलिड नहीं है अभी क्यों, लेकिन है तो नोट 500 का है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अभी के बैंक, पहले वो एक्सेप्ट था अभी अब नोट चेंज हो गए, अब इस युग के लिए इस समय के लिए ये नोट चालू है, तो उसको चलाने से जो कुछ भी चाहिए हम उसको प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से अनेक अनेक युग के अवतार के और इस युग के कलयुग के अवतार भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस युग में आकर इस कलयुग के लिए जो यज्ञ जरूरी है वो करें और वही लागू होगा। हम कहेंगे कि नो नो नो, हम तो ये नहीं करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, करो लेकिन वो निष्फल हो जाए तो श्योर शॉट 100% गारंटी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यही है इसमें सब कुछ है। इसीलिए महामंत्र है, जितने भी मंत्र है इस 16 शब्द में मल्टी विटामिन कैप्सूल
है ना, एक ही में सब कुछ, अलग अलग करने की कोई जरूरत। तो इसीलिए जब तक हम यज्ञेश्वर को, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान का अवतार यज्ञेश्वर, जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव से, आदर बहुत इंपॉर्टेंट, आदर भाव से न होता, तब तक यज्ञ पूर्ण 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 रूपेण नहीं किया जा सकता। तो आदर के बिना कैसे होगा, हम यज्ञ करेंगे लेकिन भगवान को नहीं, यज्ञेश्वर को नहीं मानते और अपने ही मनमानी से यज्ञ कर रहे हो कि यज्ञ यज्ञ, भगवान का कोई रूप नहीं है, वे निराकार है, वे शक्ति है, ये है वो है, कितना भी बोलो वो तो है, लेकिन वो अगर अगर हम जानते कि हाँ भगवान है और उनकी शक्तियां हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान को ही नकारते, भगवान ही है तो इसके लिए आप, तो क्या करना है, भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए और उनकी सेवा करना समस्त योग्य के वास्तविक अनुष्ठान है। तो यही अनुष्ठान, भगवान का शरण ग्रहण करना और भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की सेवा करना, भगवान शरणागत होना और भगवान की सेवा, इस भाव से अगर किया जाए तभी वो जो है सफल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भाव को बतलाते हैं, श्री मद्भागवतम में के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, जो कोई भी भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहा है, जो गा रहा है कीर्तन कर रहा है, वो ये यज्ञ है। इस यज्ञ को हमें ठीक से करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप है खुद के लिए और संकीर्तन यज्ञ है सभी के लोगों के लिए, जब सब बैठकर भगवान का ये गुणगान, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ये 16 शब्द और 32 अक्षर में सब कुछ। कलिकल्मष नाशनम, और हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है कोविड की सिचुएशन, हम क्यों यज्ञ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये यज्ञ है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको, ताकि उनका ताप जो है, इस कलयुग का ताप, इस अलयुग में जो अशांति है, ये कलयुग में जो भी अभद्र है ये हरि नाम से ही होगा और कोई रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम ब्रिहान नारी, पुराण बताया गया है, एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते भगवती अन्यथा। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ, तो सब कुछ जो है। अब ये संकीर्तन यज्ञ दो प्रकार के, एक है जब हम यज्ञ करते हैं, गाते हैं अनेक अनेक जो वादन है, मृदंग खड़ताल लेकर ये संकीर्तन करते हैं, उसको यज्ञ है।
पर हम इस यज्ञ में हमेशा लेट ही हैं, लेट है। कभी भी किसी के घर में जाओ, खास प्रोग्राम, अभी तो कीर्तन चलता होगा, चलो बाद में नहीं, क्लास में लेट है। जब कीर्तन का समय होता है तो क्लास, अभी ना कीर्तन मस्त भी हुआ ना क्लास में स्टार्ट होता है। जिस चीज को जरूरी है, जो यज्ञ है, इस यज्ञ में भाग नहीं। और फिर बीच में आते हैं तो फिर प्रश्न होते हैं, और प्रश्न यहाँ वहां के बिना समझे, और फिर कुछ समझे ही नहीं। अभी एक दिन मिलता है यज्ञ करने के लिए, श्री श्री राधा रास बिहारी स्वयं भगवान के सामने संकीर्तन करने के लिए ये जो मौका मिलता है, कितने लोग उसका लाभ ले रहे, जितने लोग लेने चाहिए। लेकिन हम कमर में दर्द है तो गला में दर्द है तो ये है नातू पातू और सब कुछ जो भी है, यज्ञ में इतना भी दुर्दैव श्री चैतन्य महाप्रभु के, क्यों? ज्ञान नहीं, शिक्षण नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी हम शिक्षण, और प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़े, यहाँ वहां किसी से भी किससे भी सीखते हैं जानते हैं, नहीं, प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य है, इस युग अवतार जिस युग के आचार्य है, जगत गुरु उनका बात, स्पेशली एम्पावर्ड। तो ये है एक प्रकार का यज्ञ जहां पे हम संकीर्तन करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, लोगों के बीच में जाके, तो ये यज्ञ करके जो बताया गया है भगवद गीता में कि इससे जो है मनुष्य को शांति और सब कुष्ठ, अभी हम कर रहे हैं कि नहीं, कोविड के लिए हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, लोगों को राहत मिल रहा है, लोगों का ठीक हो रहे हैं, या उनकी गति हो जाए, होगा जरूर। तो ये एक है ये, और दूसरा है कि सब कुछ जो है भगवान के गुणगान में इस्तेमाल करना है, दूसरा ये, यूज एवरीथिंग टू ग्लोरिफाई, संकीर्तन भगवान के गुणगान। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसीलिए अभी सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसको और भी गहराई से समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है सब ग्रंथों का उन्होंने रचना की, काफी ग्रंथों को, जी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, ये सब श्री चैतन्य मनोभिष्टम उन्होंने जो है, श्री रूप गोस्वामी ने जो है ग्रंथों के रूप में, तो ये भी एक संकीर्तन है जहाँ पे भगवान का गुणगान, ये भी एक यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। अभी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो जहाँ पे बुक्स का मेन जगह है, जहाँ पे बुक्स रखते हैं, हमने किसी को गो टू संकीर्तन ऑफिस, अरे संकीर्तन ऑफिस मतलब क्या, संकीर्तन मतलब वहां पे क्या मृदंग खड़ताल और बैठ के संकीर्तन, नहीं, बुक्स संकीर्तन है। इसके लिए इसको जहाँ पे बुक्स रखा गया है, अगर मंदिर में आज भी जो मंदिर में जाओ बोलेंगे कि संकीर्तन ऑफिस कहाँ जाएंगे, वहां पे सब प्रभुपाद जी के और सब ग्रंथों की जो पुस्तकें वहां पे मिली, वे पुस्तक श्री भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि ये जो है लोगों को, क्योंकि वे पढ़ के संकीर्तन मतलब वो, और भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये तो बृहद मृदंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बृहद मृदंग, इसको बृहद मृदंग बना, मृदंग की ध्वनि जो है कुछ देर तक पहुंच सकती है, आगे के बाजू के घर में या बाजू के बिल्डिंग में के बाजू के मोहल्ले में, लेकिन ये बृहद मृदंग जो दूर दूर तक उसकी आवाज, उसकी गूंज जो है, जो ये जो ये पुस्तकें हैं वे गूंज है भगवान, ये यज्ञ है, इसीलिए इसको संकीर्तन यज्ञ, भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, इसको प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए बृहद मृदंग,
अभी हम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बात करेंगे कितना, लेकिन एक के पुस्तक अगर किसी को दे दी तो घंटों घंटों का भगवान का गुणगान उनके हाथ में आ जाता। इसके लिए संकीर्तन यज्ञ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचेयत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार। तो जब संकीर्तन, जैसे कीर्तन होता है क्लास के पहले कीर्तन होता है और उसके साथ अगर प्रचार होता है, दोनों साथ में जाता है, तो वो प्रचुर मात्रा में उसकी जो है उसका लाभ। कभी कभी तो लोग डायरेक्टली बोलना भी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मंगलाचरण और गुरु का जो है कृपा और भगवान को प्रसन्न करने से, कीर्तन से भगवान के सामने अच्छे अच्छे जो है गुणगान गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन से ये यज्ञ हो रहा है हर रोज हर दिन हर घर में। यहाँ पे तो बता रहे कि यज्ञ करो सब घर घर में यज्ञ, ये जो वेदवादी, लेकिन इससे भी हम सीख सकते हैं कि घर घर में कीर्तन होना चाहिए। इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, कुछ ब्राह्मण चाहिए, कुछ अच्छा उच्चारण करने वाला कोई ब्राह्मण चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय कृष्ण कृष्ण प्रेम उन्होंने इस हरि नाम में अपनी शक्ति डाली है। और इस हरि नाम से हम कृष्ण प्रेम फॉरगेट अबाउट लिबरेशन, वो तो द्वार पे खड़ी होती है मुक्ति देवी हाथ जोड़कर। तो ये बहुत जरूरी है और प्रभुपाद जी ने इसको और जो इस बृहद मतंग को अपने गुरु के आदेश के अनुसार हर एक भाषा में उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और ये पुस्तक वितरण पुस्तक पब्लिकेशन। और प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहा कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, एक ही है क्यों, क्योंकि ये संकीर्तन है। इससे हम जो कुछ भी चाहते हम जो है शांत निष्का भक्त शांत शांति का। तो प्रभुपाद जी ने इस यज्ञ को पूरे विश्व में फैलाया और कितने लोग जो है उनको अपनाया है। और फिर आगे भी इस संकीर्तन यज्ञ, ये संकीर्तन यज्ञ है। और प्रभुपाद जी ने फर्स्ट म्यूजियम, जैसे कि एग्जीबिशन है, म्यूजियम है, चाहे मेला हो गोकुलर, ये सब संकीर्तन है। तो कहते हैं इतना खर्चा क्या जरूरत है करने के लिए, उसके लिए देने के लिए सहायता करने के लिए यज्ञ के लिए, लेकिन ब्राह्मण को बोले बोले हट चो इतना चाहिए ये यज्ञ के लिए, तुमको सब लाभ मिलेगा। लेकिन उसके लिए कोई, सब लोग तैयार है, लेकिन जब यज्ञ हो रहा है यहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, ये संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, तो गुरु महाराज इसको कहते हैं कि इसको बढ़ाओ फैलाओ। जानते हैं सिर्फ जो महान भक्त हैं जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे है तपलोक जनलोक के जो निवासी हैं वे जान लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार से ये संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। नो विशी वॉशी बिजनेस इन दिस आल्सो, वो इतना आनंदमय चीज है, कोई जरूरत नहीं किसी किसी भी चीज का, सिर्फ नाम। दिस शुड बी रिजिडली फॉलोड इन ऑर्डर to achieve the result of yagya performance. जैसे कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर का जब स्थापना हुआ तो इसके लिए जो है यज्ञ की जरूरत, पर क्योंकि लोग समझते नहीं है तो इन्होंने प्रभुपाद जी ने राधा रमन मंदिर से जो बड़े जो ब्राह्मण है उनको मंत्रोच्चारण करने के लिए यज्ञ करने, क्योंकि नहीं तो नहीं करेंगे तो ये लोग बोलेंगे अरे ये लोग तो हमको स्वीकार नहीं करते, हमको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा दुख सोचेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे जो मंदिर का यज्ञ के लिए या
वृंदावन मंदिर के लिए होते। और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को क्या किया, कहा कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र ये कीर्तन करो, यही यज्ञ है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो भी यज्ञ कर, अभी भी यज्ञ कर, अभी पूरे विश्व में यज्ञ चल रहा है, संकीर्तन यज्ञ, और उसका फल, उसका रिजल्ट हम देखते हैं किस प्रकार से जिन लोगों ने इस यज्ञ को पूरी, जैसे ये शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जो कड़ाई से पालन किया करेगा वो जो है उसका सफलता पाएगा। लेकिन यहाँ वहां वेद में बहुत सारी चीजें बताए हमें करना है, जो हमारे अभी इस युग के लिए जो लागू है, जो हमारे आचार्य ने बताया है, हमारे इस युग के आचार्य श्री प्रभुपाद जी है, हम इस संसार से जुड़े हुए हैं, वे जो बताते हैं उन पर। ऐसा नहीं कि चलो ये गोस्वामी वो गोस्वामी ये जीव गोस्वामी वो गोस्वामी सब ठीक है, पर प्रभुपाद जी ने हमें जितना बताया उसको अगर हम करेंगे तो प्रभुपाद जी ने बताया गारंटीड यू गो बैक होम बैक टू गॉड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।